ऐषति परमात्मन् माद्रशान् मोमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजे सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। सेवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, श्री वीर सागर जी आचार्य देव की, शिव सागर महाराज की, दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। कर्मभूमि का काल है, आप सबने कर्मभूमि में जन्म लिया है और कर्मभूमि में जो जन्म लेता है उसे कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब कहीं जाकर के अपने जीवन में आवश्यक जो भी सामग्री है वो प्राप्त हो पाती है, वो भी सुनिश्चित नहीं है कि प्राप्त हो ही जाए, वो प्राप्त हो भी ना भी हो, किंतु भोग भूमि के काल में ऐसा नहीं था। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते थे और जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी कल्प वृक्ष से व्यक्ति प्राप्त कर लेते थे। मानो भाजनांग जाति के, वस्त्रांग जाति के, अनेक प्रकार के आभूषण जाति के जो भी आवश्यकता होती उन सब कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त होती थी। कर्मभूमि में कल्प वृक्ष नहीं रहे, कल्प वृक्ष का काल समाप्त हो गया। भगवान ऋषभदेव ने कर्मभूमि की स्थापना के समय षटकर्म करने की हमको उपदेश देकर के आवश्यकता बतलाई। इन कर्मों को करके ही तुम अपने जीवन का यापन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भोग भूमि भले ही हमको अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं है और भोग भूमि को प्राप्त करके क्या करेंगे, वहाँ और पुरुषार्थ तो चल ही नहीं सकता कुछ भी। कर्म भूमि में पुरुषार्थ किया जाता है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत चतुर्विंशति शंकर के अलावा अनंत जीवों ने सिद्धालय को प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया। सभी ने कर्मभूमि में जन्म लेकर के और क्रमशः अपने जीवन को उत्थान की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ किया। उसके बिना उन्होंने मोक्ष जैसे सुख के स्थान को प्राप्त नहीं किया। महाराज, सुख तो यहाँ भी मिलता है, फिर मोक्ष में जाने की क्या जरूरत है। एक स्थान पर हम प्रवचन कर रहे थे तो लोगों ने पूछा, नौजवान थे और नौजवानों ने प्रश्न कर लिया कि महाराज, हमें यहाँ सब सामग्री प्राप्त है, भोगोपभोग की सामग्री हमने यहाँ पर प्राप्त की भी है, क्या ये भोगोपभोग की सामग्री भी वहाँ सिद्धालय में मिलेगी। बड़ी विचित्र बात है कि हमारे संस्कार इतने भोगोपभोग सामग्री को प्राप्त करने के बन चुके हैं
कि हम सिद्धालय में मोक्ष में भी उसकी प्राप्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी सोचते हैं। भाई मोक्ष में तो आत्मा केवल रहती है, शरीर तो रहता नहीं है, और भोगोपभोग की सामग्री की आवश्यकता शरीर को है, आत्मा को नहीं है। आत्मा यदि अपने पुरुषार्थ को जागृत करे तो भोगोपभोग की सामग्री को तुच्छ समझ करके त्याग सकता है। ये कर्म भूमि का फल है। भोग भूमि में वो भाव ही नहीं जगते हैं लोगों के, वे अपने जीवन में एक पल्ले की, दो पल्ले की अथवा तीन पल्ले की आयु प्राप्त कर रहे हैं, उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि की आयु है, तो उस आयु को प्राप्त करके वहाँ पर जिनारे भी नहीं मिलेंगे। आपके पास जिनारे तो है, जिनारे के अतिरिक्त एक कल्पवृक्ष यहाँ पर खड़ा है, कामधेनु आपको प्राप्त है, आप जो चाहो सो मांग सकते हो उससे। महाराज कल्पवृक्ष तो हमने यहाँ पर देखा नहीं, भाई जिनेन्द्र भगवान ने दिया है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पवृक्ष से कम नहीं है। हमारे पास स्तोत्र और मंत्र है, नमोकार महामंत्र है, जिससे सभी मंत्रों की उत्पत्ति होती है, हुई है। और स्तोत्र में हमारे पास भक्तामर स्तोत्र है। आवश्यकता इस बात की है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जापान गया और आश्चर्यचकित हो गया वो, कि कुछ वृक्ष तो 400-500 फीट ऊंचे खड़े हैं और कुछ वृक्ष जो है बिल्कुल बौने, 5-6 फीट के भी नहीं। उसने सोचा भाई ये वृक्ष तो ये भी है वो भी है, ये इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष क्यों बन गए? तो उसने पूछा वहां पर गार्डन के माली से, पूछा इसमें इस अंतर में क्या रहस्य है? तो माली ने बताया, जिन वृक्षों की जड़ काट दी गई थी वे बौने रह गए, और जिनकी वृक्ष नहीं काटी थी वो बड़े बड़े हो गए। हमारी ऊंचाई अभी 5-6 फीट की है, लेकिन हमें जहाँ जाना है वो तो बहुत ऊंचाई पर है। 7 तराजू ऊंचाई पर है वो स्थान, है लोक में ही, लोक के बाहर नहीं है, लेकिन 7 तराजू ऊपर जाना पड़ेगा। अब इतनी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हमें देखना होगा कि हम जड़ को तो नहीं काट रहे हैं। जड़ है सम्यक दर्शन, श्रद्धा हमारी जड़ का काम करती है, और उस श्रद्धा के ऊपर ही हम वहाँ तक की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा विश्वास कहो, श्रद्धा कहो, लेकिन अभी बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है, जिनेन्द्र भगवान की शरण को हमने प्राप्त की है। जिनेन्द्र भगवान अभी मूल रूप में हमको प्राप्त नहीं है, हमने जिनाले बना करके भगवान को उसमें विराजमान किया, प्रतिमाओं को, लेकिन प्रतिमाएं ही नहीं है वो प्रतिमाएं साक्षात भगवान का रूप है, क्योंकि हमने पंच कल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से उसमें भगवान के उन गुणों को स्थापित किया है। हम एक बात और बता दें, यहाँ तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अभिषेक जिनेन्द्र भगवान का किया जाता है, कलश से करते हैं। कलश से करते हुए एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है, ध्यान रखना चाहिए कि कलश की ठोकर
जिनेन्द्र भगवान के किसी अंग पर नहीं लगनी चाहिए। यदि ठोकर या कलश के स्पर्श भगवान को होता है तो सुनिश्चित बात है कि जो गुण हमने स्थापित किए हैं वो गुणों की स्थापना हमारी व्यर्थ हो जाती है, हमको पुनः उन गुणों को स्थापित करना चाहिए। इसलिए एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, भगवान का अभिषेक करते समय हमें सावधानी अत्यधिक रखनी चाहिए। भगवान कोई सामान्य मूर्ति नहीं है। हमारी जल्दबाजी में यदि ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए हानिकर है। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन जहाँ प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त होता है, वो जिनाल में विराजित भगवान हैं। उनके दर्शन मात्र से हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, नौजवान लोग अब भगवान के दर्शन करना नहीं चाहते। जिनबिंब दर्शन जो है उससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब होगी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन हम विधिपूर्वक करेंगे। हमारे जैन धर्म में कोई भी कार्य हो लेकिन वो विधिपूर्वक होना चाहिए, और उस विधिपूर्वक किया गया कार्य ही हमें इच्छित वस्तु को प्राप्त करा सकता है। हमारे पास जड़ के रूप में पंच परमेश्वरी का वाचक महामंत्र है। जैन धर्म का मूल है, और मूल जो सुरक्षित रहता है तो ही उसका फल प्राप्त हो सकता है। महाराज, एक मालिन थी, वो मालिन का बेटा उसके साथ साथ बगीचे में घूम रहा था। उसने देखा कि किसी वृक्ष पर तो बहुत ऊपर फल लगे हुए हैं और माँ बिल्कुल पागल है, ये मिट्टी में पानी डालने जा रही है। तो आजकल के लोग बुद्धिमान ज़्यादा है ना, उस बालक ने पूछा कि माँ तुम तो पागल है, वृक्ष के ऊपर जाकर के फल लगेगा और तुम मिट्टी में पानी डाल रही हो। तो उसने कहा कि भाई बेटा, ये मिट्टी के भीतर जड़ है इस वृक्ष की, फल भले ही ऊपर लगेगा जाकर के, लेकिन इस मिट्टी में पानी नहीं देंगे, जड़ों में पानी नहीं दिया जाएगा तो फल भी हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ साथ हमारे लिए महामंत्र जो नमोकार मंत्र है, हमने एक बार कहा था, प्रारंभ से यदि हम चले तो नमो अरिहंतम आता है, लेकिन जब उल्टे क्रम से चलेंगे, क्योंकि नमोकार मंत्र की जाप आप कैसे भी करें, उल्टी करें, सीधी करें, आड़ी टेढ़ी करें, कहीं से भी करें, लेकिन वो महामंत्र ऐसा है कि वो फल देने वाला ही है, फल बिना के उसमें रह नहीं सकते। आप नमो सिद्धानम की जाप शुरू कर दीजिए, आप नमो आयरियानम की जाप से शुरू कीजिए, कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि पंच परमेश्वरी भगवान का वाचक मंत्र है और पंच परमेश्वरी भगवान हमारे परम आराध्य हैं। जो आराध्य हैं वो पांचों ही आराध्य हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल अनंत भगवान ही आराध्य हैं हमारे, सिद्ध भगवान भी आराध्य हैं। महाराज, सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं है हमको। भाई, अनंत कहाँ दिखते हैं आपको? अनंत भगवान की प्रतिमाएं आपने स्थापित कर रखी है कि नहीं कर रखी? इसी प्रकार सिद्धों की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके साक्षात दर्शन करते हुए हमारे मन में ये भावनाएं जगनी चाहिए। जिस प्रकार हम अरहंत भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु के प्रति भी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कारण ये है कि वो पंच परमेश्वरी में उनका स्थान दिया है और वो पांचों ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं,
अपन बोलते हैं सब मंगल चाहते हैं, मंगल चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णत्तम, धम्मो मंगलम। इससे ज्यादा मंगल की वस्तु हमें क्या प्राप्त हो सकती है? अरहंत भगवान हमारा मंगल कर सकते हैं, सिद्ध भगवान की जाप हमें सिद्धता प्रदान कर सकती है, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हमें चारित्र प्रदान कर सकते हैं, वे उस चारित्र से ही तो सिद्धावस्था को प्राप्त किया जाता है। इसे नमो लोए सब साहुणम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि श्रेयांशनाथ भगवान की और अर्हंता नहीं है, लोक में और ढाई द्वीप में जितने भी अर्हंता भगवान हैं उन सबकी हम जाप और उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। उससे ये तो प्रतीक है हमारे सामने, इनको प्रतीक मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, पर सारे अरहंत भगवान लोक में जितने भी अरहंत भगवान हुए हैं, चाहे तीर्थंकर हों चाहे सामान्य केवली हों, जितने भी अरहंत हैं उन सब अरहंत की पूजा इस अरहंत भगवान की पूजा से, उनकी आराधना से, उनकी जाप से हो जाती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान जिन्होंने जहाँ से भी ढाई द्वीप पूरा सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र, ढाई द्वीप में सिद्ध क्षेत्र केवल समय शिखर ही हो ऐसा नहीं है, आपका यह खांडू कॉलोनी भी सिद्ध क्षेत्र है यदि आप माने तो, जो भी स्थान है ढाई द्वीप में वो सभी सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ का कण कण सिद्ध क्षेत्र है, आकाश सभी सिद्धावस्था प्राप्त की गई है, समुद्र में भी किसी शत्रु ने किसी ध्यानस्थ मुनि को डाल दिया तो वहाँ से भी उन्होंने सिद्धालय को प्राप्त कर लिया। तो हमारे लिए ये ढाई द्वीप का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा हमारे इस क्षेत्र के समान है, हम जहाँ भी बैठे वहाँ सिद्ध भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये महामंत्र के समान ही हमको एक स्तोत्र प्राप्त हो, भक्ति का मार्ग है स्तोत्र, जिसके द्वारा हम स्तोत्रों का पाठ करके भक्ति कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, बढ़िया है कि भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य ने रचा, लेकिन रचने के पहले उन्होंने आदिनाथ भगवान को अपने हृदय में स्थापित किया और आदिनाथ भगवान के गुणों का ही उसमें वर्णन है पूरा, कोई आवश्यकता नहीं है हमको किसी भी वो स्तोत्र की, और आदिनाथ भगवान हमारे सर्वप्रथम तीर्थंकर हैं और उन्हीं का स्तवन करते हुए मानतुंगाचार्य ने उस स्तोत्र की रचना की। स्तोत्र की रचना कब की जाती है? जब आकंठ भक्ति भरा उल्लास हमारे भीतर जागृत हो जाता है तो स्तोत्र बनता है, और उसी स्तोत्र में और पर लेकिन आपदा कष्ट के आने पर यह होता है, मानतुंगाचार्य ने अपने ऊपर आए हुए कष्ट के लिए स्तोत्र की रचना नहीं की, धर्म के ऊपर जो आपत्ति राजा के द्वारा स्थापित लाई गई थी उस भावना को, उस आपदा को दूर करने की भावना से उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी। बंधुओं ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, नमोकार महामंत्र है और भक्तामर स्तोत्र हमारे पास है। यदि इन दो पर ही हमारी श्रद्धा अकाट्य बन जाए तो सुनिश्चित बात है कि हम अपने जीवन को आपदाओं से बचा सकते हैं, विपदाओं से बचा सकते हैं, रोगग्रस्त जो व्यक्ति है वो भी इनका सहारा लेकर के अपने रोगों को दूर कर सकता है। बहुत से लोग आते हैं, महाराज बहुत वर्ष हो गए अमुक रोग है, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो भैया महा डॉक्टर अपने बैठे ना जिनाले में, उनके पास जाओ तो सही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो डॉक्टर है, वो तो फीस लेकर के आपका इलाज करता है, यहाँ तो बिना फीस के इलाज करने की बात है। लेकिन यहाँ बिना फीस की बात नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, हमने कह तो दिया है यहाँ फीस देनी पड़ती है, यहाँ भी
लेकिन यहाँ फीस पैसे की नहीं देनी पड़ती, यहाँ पर अपनी श्रद्धा की, अपने विश्वास की और आस्था की हमको यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये डॉक्टर जो हमारा इलाज कर सकते हैं। ये डॉक्टर तो यहीं बैठे रहेंगे, ये डॉक्टर यहाँ पर इलाज करने न कहीं आपके घर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपका इलाज हो जाएगा। श्रद्धा सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा के बिना आज तक किसी ने भी अपने जीवन का उत्थान नहीं किया। इसलिए भगवान पर श्रद्धा हो और भगवान की वाणी पर श्रद्धा। आप भजन तो गाते हैं, जिनवाणी माँ का जब भजन गाते हैं तो क्या करते हैं, लाज रखना है ना, जिनवाणी माँ से बोलते हैं मेरी लाज रखना। हम तो ये सुनते सुनते ये विचार कर रहे थे कि लोग गलत बोलते हैं, जिनवाणी माँ क्या लाज रखेगी, जिनवाणी माँ ने जो कुछ कहा है उसको अपना करके जिनवाणी की लाज रखना हमारा कर्तव्य है कि जिनवाणी ने जो कहा है वो हम मानेंगे, वही हम करेंगे। भगवान जो कह रहे हैं, भगवान ने कहा तो जिनवाणी बनी, जिनवाणी बनी तो हमारी लाज रखने वाली जिनवाणी माँ है एक तरह से, लेकिन फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसे जिनवाणी कहती है। तो जिनवाणी की लाज तो तभी रह सकती है जैसे हम अपना जीवन वैसा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो बंधुओं, ये देवशास्त्र गुरु जो हैं सामान्य बात नहीं है, इन देवशास्त्र गुरु की शरण को हमने प्राप्त किया है। ये शरण जो है वो महाशरण है, और महामंत्र और भक्तामृत स्तोत्र एक ऐसी शरण है जिसकी शरण से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नमोकार मंत्र के संबंध में हमने कलकत्ता में बहुत सारे प्रवचन किए थे, बहुत बातें हैं उसके संबंध में, और उसमें बहुत सारे रहस्य भी छिपे हैं। उस महामंत्र में जो रंग छिपे हुए हैं, आप पचरंगी ध्वज फहराते हैं ना, वो पचरंगी ध्वज कहाँ से आए, वो सब नमोकार मंत्र के रंगों का प्रतिफल है। और उन रंगों के द्वारा आज तो कलर थेरेपी चलने लग गई ना, रोगों को दूर करने के लिए कलर थेरेपी चली है, बहुत सारी थेरेपियां हैं रोगों को दूर करने के लिए, योगा भी एक थेरेपी है, लेकिन हम करें तो उसका फल हमें मिल सकता है। यदि उस कलर के बोतल में हम पानी भर करके उसका सेवन करें तब होगा। हम तो आप लोग करते कि नहीं करते हमको मालूम नहीं है, लेकिन बाजार में जो बोतलें मिलती है उसका पानी हम सेवन कर रहे हैं। आप बताइए कि वो पानी कैसा है, अपन ने पूछा क्या? अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध पानी होगा, बोले महाराज वो तो शुद्ध ही करके देते हैं हमको, उसकी तो फैक्ट्री खुली हुई है। लेकिन हमने उस पर विचार किया, कभी जाकर खोज की कि किस पानी को शुद्ध करके देते हैं हमको। बंधुओं, हमें अपने जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए जो साधन दिए हैं हमारे धर्म में, वो धर्म हमारा ऐसा छोटा मोटा धर्म नहीं है, जैन धर्म है। और जैन धर्म इसलिए है कि वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, इसलिए उसे जैन धर्म कहते हैं। भले ही लोग हमारे जैन धर्म से ईर्ष्या रखें, द्वेष करें, लेकिन हमें अपने मन को सुदृढ़ बनाना है, मेरु के समान अचल बनाना है, कि हमारे धर्म में हमारे अनंत भगवान ने जो हमको कुछ दिया है, जो हमारी जिनवाणी देती है, जो सिद्ध भगवान है, पंच परमेश्वर हमारे सामने हैं, उनके प्रति हमारी दृढ़ आस्था बने, और दृढ़ आस्था के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आचरण।